कलेश हो गया भाई, भाई कलेश हो गया कुछ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुझसे बात सुन, जितना कह दिया मैंने। सीन हो गया भाई कुछ। अरे उतर के बात करो। 50 रुपए एक बंदे के, सबके 50। हाँ भाई, पर्ची दो। नहीं पर्ची नहीं है कोई, अलाउड नहीं है भाई। फिर वहाँ घूम लो अपनी बाइक, वहाँ खड़ी कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ आप पर्ची दे दो, हम 50 आपको 50, आप 60 मांगो। साका गुज्जर डेथ वैली। हेलमेट गया, हेलमेट भाई अगर नीचे फेंक दिया तो गया। ओ भाई आगे देख, तेरे सामने मौत बैठी है। वो कह रहा है झाड़ निकले तेरा। अबे अबे ओ भाई कितना मस्त लग रहा है यार। तो भाई लोग अपना प्लान है, अब अपन यहाँ से जा रहे हैं मिनी लद्दाख डेथ वैली। तो भाई लोग प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले अपन सोच रहे थे कि घर जा रहे हैं, फिर अभी हमारा प्लान बन गया कि चलते हैं डेथ वैली जिसको मिनी लद्दाख बोलते हैं। तो वहाँ जा रहे हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ कि कैसा है, और चूँकि टाइम अभी कम ही हुआ था तो वहाँ से चाय वाय खाना पीना खा के निकल गए। अब यहाँ से जा रहे हैं डेथ वैली, यहाँ से है अराउंड 25 से 30 किलोमीटर है। तो पहले वहाँ जाते हैं और मज़ा करते हैं, धुंध भी हट गई है, आप खींच सकते हैं थोड़ा। भाई चलो निकलते हैं, लिया था एक ब्रेक। और इस रोड पे यार काफ़ी खतरा है, गाय वगैरह ना बीच में आ रहे थे, अभी मैं बच भी गया पीछे। तो यहाँ पे आराम आराम से चलेंगे, अब तो धुंध भी हट गई यार, अब आएगा मज़ा, संडे का उठाएंगे अपन पूरा पूरा लुफ्त, अब लेट ही जाएंगे घर आराम से। तो भाई लोग अपन पहुँच चुके हैं लेक वुड सिटी, इसके अंदर जाना पड़ेगा। क्या हुआ, रास्ता यहाँ से बंद कर रखा है क्या? व्हाट हैपेंड? ओ मैन, पब्लिक रिएक्शन देखो। लोग फोटोज खींच रहे हैं। अरे भाई ये कहाँ आ गए अपन, गांव गांव में। रास्ता काफी खराब है, लगता गली गली में से लेकर जाएगा और फिर सीधा पहाड़ पे। हेलो भाई, ऑफ रोडिंग आ गई, प्रॉपर ऑफ रोडिंग, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मज़ा आ रहा है यहाँ। ये 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 भाई, और जब से मेरा शौका ठीक हुआ ना पिछले वाला, मज़ा आ गया बाइक को, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही थी बाइक में। ओ भाई रे भाई, क्या मज़ा आ रहा है। बम्पिंग में मज़ा आ रहा है, ये देखो ऐसे, ये चीज़ अच्छी लगती है। ओ नाइस 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 नाइस। भाई कहाँ आ गए? जंगल में आ गए भाई किसी अपन। ओ भाई चारों तरफ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, और वो क्या जंगल में मंगल होता हुआ देखा मेरे को। ओ भैया, ओ भाई 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 भाई, सूरज भी आ गया अपना, ओम सूर्य देव भाई नमः। तो सनराइज भी हो गया, धुंध भी काफी हट चुकी है पूरी, और अपन पहुंच चुके हैं फाइनली डेथ वैली। ओ मैन, दिल्ली के सस्ते पहाड़। ये देखो जी, फैन हो गए हैं लोग हमारे, दे आर वॉचिंग अस। भाई भी बच गया, अभी भाई का मोए मोए हो जाता। ओ भाई डेथ वैली, साका गुज्जर डेथ वैली। ओ मैन डेथ वैली, इसकी हिस्ट्री क्या होगी भाई? सुसाइड वुसाइड करते थे क्या यहाँ लोग? नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, अभी चल के पूछते हैं किसी से। जंगल में हो गए भाई गुम। ओ भाई ये भी अलग ही एडवेंचर है ब्रदर। ये मस्त एडवेंचर है वैसे, हाँ। ओ भाई कलेश हो गया भाई, भाई कलेश हो गया कुछ, क्या हो गया? ओ भाई क्या हो गया, सीन हो गया भाई कुछ। अरे उतर के बात करो भाई, सीन हो गया कुछ, जाने नहीं दे रहे। क्या हो गया,
भैया जो आगे जा रखे उनका भाई मंदिर वाली झील पे घूमो या फिर मंदिर पे अपनी बाइक ना खड़ी करके यहाँ तक पैदल आओ। अच्छा हाँ यहाँ आओगे एंट्री है, दूसरी बात मगर एंट्री कोई सिस्टम नहीं है, पत्थर लगा रखे इसीलिए लगा रखे। चलो एंट्री किसकी यहाँ आने की भाई? कितने पैसे हैं? 50 रुपए एक बंदे के, सबके 50। हाँ भाई पर्ची नहीं, पर्ची नहीं है कोई, अलाउड नहीं है भाई। फिर वहाँ घूम लो अपनी बाइक, वहाँ खड़ी कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ आप पर्ची दे दो, हम 50 आपको 50 आप 60 मांगो। अब मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। पर्ची वाला यहाँ आना ही सिस्टम अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे? मैं इसी बात के ले रहा हूँ भाई, रास्ते की सुविधा हम दे रहे हैं अपने लिए, समझ रहा मेरी बात? अपनी बाइक खड़ी कर शौक से आप पैदल, जैसे और लोग आ रहे हैं उससे कोई वो नहीं है। नहीं यार भैया बाइक पे भी गए हैं अभी लोग, यार अभी बाइक से भी गए हैं वापस। हम है तो गए, आगे भी लौंडा छोड़ रखे, पीछे छोड़ रखे, सब वसूल कर लेंगे, ऐसी बात से भगा देंगे। पैदल तो कोई देखा ही नहीं जाता हुआ। किसने भाई बाइक पे देखे हैं ना, इतने सारे हो भाई, तुम कह रहे हो आगे भी खड़ा है पीछे भी खड़ा है, अगर तो तुम पैसे लोगे पर्ची दोगे नहीं तो आगे भी पैसे मांगेगा वो, तो कौन मांगेगा आगे? तुम कह रहे हो आगे शाखा नौ, मेरा शाखा गुजर। अरे नौ में ले दीजिए फिर कोई पैसा मांग ले। अरे भैया ठीक ठीक ले लो यार, आराम से जान दो, थोड़े बहुत ले लो। कह रहा हूँ वैसे थोड़ी कह रहा है। हाँ एक बार आगे होके तो आए भैया, इसको डेथ वैली के बोलते हैं? डेथ वैली नहीं बोले भैया, जब गर्मी में आके देखियो तो हमको 500 कूदे मिलेंगे तो एक आदत खाएगी, ये होगी डेथ वैली। अरे सुसाइड हो जाता है, सुसाइड पॉइंट है होते हैं, सुसाइड करते हैं बंदे। कौन लेगी लेक यार, लेक बंदे जाते हैं लेके तो गई लेक लेगी ना। भैया ने बोला मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला, हिंदी भाषा में। हाँ हिंदी में समझा दो प्लीज। पहली बात तो तुम्हारी भाषा में बोलते हैं इसे डेथ वैली, हमारे गांव की भाषा में इसे बोलते हैं 6 नंबर लेक, 6 नंबर झील। अच्छा क्यों? जब ये जो झील जो बनी है माइनिंग से बनी है। अच्छा आर्टिफिशियल है ये? बारिश का पानी है, नेचुरल पानी है नीचे को जैसे। अच्छा ऐसा पानी है, गहरी भी है इतनी। अच्छा ये 600 को गहरी है, जब मशीन चले कर रही ना पाइप लाइन चले कर रही इतनी इतनी सी दिखी गई यहाँ से। अच्छा अच्छा धीरे 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 भरते भरते आज की बंद थोड़ी है 2000 बंद होगी। भाई लोग ये लेक है, अभी अपन जाएंगे यहाँ से घूमते हुए नीचे। तो इस भाई ने रोक लिया था, ले रहा है यहाँ पे पैसे तो सस्ते में निपटा रहे हैं। ये लग तो बढ़िया रहा भाई, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था। वो इसको डेथ वैली बता क्यों बोलते हैं भाई? इसको डेथ वैली इसलिए कहते हैं कि ये जो झील है ना, इसके अंदर बहुत से लोग नहाने के चक्कर में मर जाते हैं, मर जाते हैं तभी तो डेथ हो। ओ भाई साहब तगड़ा है, ये तो ट्रैकिंग भी हो गई भाई हमारी। ओ मान सामने व्यू देखो, अभी चलते हैं नीचे प्रॉपर भाई। मजा आ रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है गांव में आ गए। ओ भाई साहब, ओ मैं भाई व्यू तो सामने मस्त है, बेशक भाई देर आए लेकिन दुरुस्त है, मजा आ रहा है। ओ भाई व्यू चेक करो, नीचे चलते हैं। अरे भाई मज़ा आ जाए, मस्त लग रहा है यार मेरे को तो। अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया भाई। हाँ हाँ पूरा लेक के पास जाएंगे भाई। ओ भाई कितना मस्त लग रहा है यार, एक नंबर जगह सही है ना, मस्त लग रहा है यार। भाई हम लास्ट टाइम आए थे ना, तो यार ये बहुत बड़ी झील है और व्यू भी मस्त है, फोटो शूट चल रहा है वहाँ पे, और ये झील काफ़ी बड़ी है और ये है मेन आर्टिफिशियल झील भाई, ये हैंडमेड है और नीचे 600 मीटर्स तक गहरा है। मतलब वो कह रहे हैं कि इसको डेथ वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंदे यहाँ पर आते हैं और गर्मी के टाइम पे ना इतनी गर्मी हो जाती है तो बंदे नहाने लग जाते हैं इसमें, और ये इतनी ज़्यादा गहरी है कि इतनी एक्सपेक्टेशन होती नहीं है कि इतनी ज़्यादा गहरी होगी तो बंदे की बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है, कईयों को तैरना नहीं आता तो, और इसलिए यहीं से ही बंद है। ये नहीं कि बीच में जाके गहरी है, वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी गहरी है, इधर से बहुत गहरी है आगे आगे से ही ना, तो इसलिए जाना अलाउड नहीं है। वो यहीं पर ही रहते हैं 2-3 बंदे जिन्होंने हमसे पैसे लिए थे एंट्री फीस, वैसे वो कह रहे हैं हम यहाँ की देख रेख करते हैं तो हमको वैसे तो हमने कोई बात नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाते, जो बनता उसको पैसे दिया और निपटा दिया। और यार मतलब व्यू मस्त है, अगर ड्रोन हो जाता ना मज़ा आ जाता यार। खैर कोई नहीं, अपना तो बढ़िया लग रहा है यार, सूदिंग है काफ़ी। यहाँ पर गाने वाने सुनो, अभी इधर गाने वाने चलाएंगे आराम से बैठ के चिल करेंगे, मज़ा आ जाएगा यार, दिन बन गया भाई कसम से, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं करता, इतना अच्छा हुआ। तो
तो यार यहाँ पे स्पॉट काफी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ के फोटोज खिंचवा सकते हो। वैसे तो पूरा देखो जंगल ही है, तो वहाँ से आप आ सकते हो उधर, जैसे लाइक ये स्पॉट बना लिए, यहाँ बैठ के फोटो खिंचाओ। नीचे भी है, दिखा देता हूँ आपको, देखो वो भाई फोटो खिंचवा रहा है, ऐसे फोटोज खिंचवाओ। तो काफी बढ़िया जगह है, मेरे को मजा आ गया बैठ के, ड्रोन होता ना और मजा आता है, वगैरह अलाउड है, सब जो मर्जी करो फोटोज वगैरह खींचो वीडियो बनाओ, बस अंदर लेक के अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि डेथ वैली इसी वजह से नाम रखा गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो काफ़ी मज़ा आ गया यार, अब आगे चलते हैं, फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, फिर घर के लिए निकलते हैं। कितना मस्त लग रहा है ना प्यारा बंदर भाई, किसकी जैकेट है ये? और जैकेट किसकी है मोहित? उस ऊपर वाले की गई भाई, बंदर ये रहा और भालू ये रहा, ओ भालू भाई बंदर को गुस्सा आ गया, ओए भाई ये मत करो, कोई किसने किया ये भाई, हेलमेट गया, हेलमेट भाई अगर नीचे फेंक दिया तो क्या, नहीं बाबू कैमरा, ओए भाई, ओ भाई आगे देख तेरे सामने मौत बैठी है, वो कह रहा है गाड़ी निकले तेरा, अब अबे टायर हो गया पंचर अगला और भारी इतनी बाइक, तो जब भी यहाँ पर आओ हमेशा ट्यूबलेस टायर लेकर आओ, पंचर हो गया कार, अब निकल रहे हैं वापसी घर के लिए। तो यार अब बस निकलते हैं घर के लिए, तो इस वीडियो करते हैं पर एंड, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके अपनी लिस्ट उन्हें करूंगा मैं तंग सब